हेलो दोस्तों, आज हमारे पास सैमसंग का फ़ोन आया है जिसके अंदर चार्जर का प्रॉब्लम है। एक मैसेज शो कर रहा है, यूज़ सपोर्टेड चार्जर, ऐसा मैसेज आ रहा है। आप देख सकते हैं, ये देखो, ऐसा एक मैसेज दे रहा है। जब भी मैं चार्जर इनपुट करता हूँ तब ये ऐसा मैसेज आ जाता है। देखो, ऑन ऑफ स्विच को मैं प्रेस करता हूँ, ये ऐसा मैसेज दे देता है और चार्ज नहीं हो रहा है। तो चलिए तो देख लेते हैं कि ये कहाँ से प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम है शायद ये जो सीसी है हमारा, जो चार्जिंग सिस्टम है और जो मेन पीबीए है, जो मदरबोर्ड है, वहाँ पे ये मैंने चार्जिंग सिस्टम भी रिप्लेस करके देखा, फिर भी ये सेम प्रॉब्लम है। तो ये हमारा ये बेल का प्रॉब्लम है, डिस्प्ले का प्रॉब्लम रहता है, क्योंकि चार्जिंग का जो लाइन जाता है हमारे डिस्प्ले के बेल से होते हुए मेन पीबीए पे जाता है, मेन मदरबोर्ड पे। तो हमें जो चार्जिंग की 5 वोल्टेज की जो सप्लाई है वहाँ पे जम्पर करके देखना पड़ेगा, शायद ये इसका ही प्रॉब्लम है। तो हम क्या करेंगे, वो सबसे पहले ये सील को हटा देते हैं और पॉजिटिव जम्पर लगा देते हैं। तो चलिए, चार्जिंग का जम्पर हम लगाएंगे।
चलो चार्जिंग को लगा के देखते हैं कि वो जो एरर आ रही थी वो अभी एरर निकली कि नहीं। ये देखो मैंने इनपुट कर दिया, ये एरर निकल गई। एम्पियर भी सही तरह से ले रहा है, इसका मतलब ये है कि फ़ोन चार्ज हो रहा है। ये देखो मैंने निकाला केबल, फिर से मैं इनपुट कर रहा हूँ केबल को। ये देखो अभी कोई भी एरर नहीं दे रहा है, इसका मतलब ये था कि हमारा ये डिस्प्ले का बेल्ट था उसके अंदर ही प्रॉब्लम था। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं कोई नया सॉल्यूशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।